ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है और ये वैकेंसी किसके लिए है, सारी डिटेल मैं आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी इस लाइव सेशन में बताऊंगा और वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, लाइव स्ट्रीम को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइव स्ट्रीम रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम वेस्ट ना करके स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे कि मैंने आपको शेयर कर दिया है मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी, जो ये व्हाट्सएप तो चैनल पे भी मैंने ये शेयर किया है लिंक। सबसे पहले क्लिक करना है इस लिंक पे और कोई भी एक कैंडिडेट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है क्या। उसके बाद में कैंडिडेट लॉगिन जो पेज है इसके अंदर फॉर लॉगिन एंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद में पासवर्ड, जो पासवर्ड है वो भी इसके अंदर आपको डालने हैं। अगर यहाँ पे क्लिक हेयर नया रजिस्ट्रेशन है तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में नेक्स्ट जो है टू गेट रजिस्टर्ड फिल अप द बेसिक डिटेल बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे इसके अंदर फुल नेम है, एज पर जो आपकी मार्कशीट है 10th की उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालनी है, मोबाइल नंबर यहाँ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का खासकर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल के अंदर जो भी आपकी एग्जामिनेशन संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं या फिर एडमिट कार्ड से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से ही प्रोवाइड की जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसके अंदर आपको डालनी है, क्या क्वालिफिकेशन है आपके पास में, आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, येस और नो, क्योंकि ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जो आउट ऑफ यूपी से है वो जनरल कैटेगरी के अंदर इसके अंदर शामिल हो सकेंगे। कैटेगरी इसके अंदर अगर आप आउट ऑफ यूपी से हैं तो जनरल कैटेगरी ही डालिएगा, जो यू आर कैटेगरी नाम से आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी जो है इसके अंदर, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है तो उस पर क्लिक करना है और उसके बाद यूजर आईडी एंड पासवर्ड पोस्ट रजिस्ट्रेशन, तो ये जो आपके पास एक मैसेज आएगा योर लॉगिन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यू कैन लॉगिन विद योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो ये आपके पास में एक मैसेज आएगा, डियर अप्लीकेंट यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, प्लीज लॉग इन एंड कंप्लीट द फॉर्म, थैंक यू एनएचएम यूपी। जैसे ही अगर ये मैसेज आपका आ जाए उसके बाद में आप ये समझिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करें स्टेप 4 की, तो एंटर पर्सनल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो इसके अंदर एंटर पर्सनल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर टोटली ये है कि सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, इसको ड्रॉप डाउन करके फिर सेलेक्ट आपको करना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको पर्सनल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल इसके अंदर देनी है, एंटर नेम, हस्बैंड नेम, जेंडर और परमानेंट एड्रेस, ये सब आपको देना है, और पोजीशन अप्लाइड जो CHO है इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। आर यू रजिस्टर्ड इन यूपी नर्सेज एंड मिडवाइव्स, तो इसके अंदर सेलेक्ट करना है, अगर आप हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। फिर स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको इसके अंदर फिलअप करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको इसके अंदर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो टोटली करंट एड्रेस है अगर सेम एज है तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना, सेम एज इट इज इसके अंदर एड्रेस आ जाएगा, करंट एड्रेस। और फॉर्म बहुत ईजी है दोस्तों, आप इसको खुद अपने स्तर पे भी भर सकते हैं। इसके अंदर और कुछ मांगा गया है, 12th 10th और BSc नर्सिंग, इनकी डिटेल आपको देनी है। तो इसके अंदर बात करें कोविड एक्सपीरियंस है अगर आपके पास में तो वो भी आपको फिलअप करना है, तो इसके अंदर आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा, कुछ लाभ मिलेगा। नेक्स्ट बात करें अपलोड डॉक्यूमेंट, तो आपके डॉक्यूमेंट इसके अंदर अपलोड करने हैं, अपलोड योर इमेज, और इमेज की जो साइज है, इमेज साइज नॉट मोर देन 500 KB, 500 KB से ज्यादा आपकी इमेज साइज नहीं होनी चाहिए। फिर बात करें सिग्नेचर, तो चूज फाइल, यहां पे आपको चूज करना है सिग्नेचर के लिए और इमेज के लिए, तो प्लीज सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ओनली PDF फाइल आपको सेलेक्ट करनी है, 500 KB ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर
अपलोड ओनली पीडीएफ फाइल, इसके अंदर आएगा कि फाइल साइज मोर देन 500 KB। इसके अंदर भी वही चीज है कि 500 KB ज्यादा डॉक्यूमेंट आपका नहीं होना चाहिए। अपलोड रिक्वायर्ड डिटेल एंड प्रोसेस्ड, तो इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट है पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, और यहाँ पे डिलीट भी आप कर सकते हैं अगर आपके अंदर कोई भी मतलब गलती हो गई हो तो। फिर नेक्स्ट है लोग द डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। अब सबसे बड़ी खास बात ये 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो प्रेफरेंस के, जो आपके नियर बाई हो या फिर आपके स्टेट के नियर बाई बॉर्डर पे लगता हो वो, या फिर आप यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है, तो आप उसी अकॉर्डिंग ही इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करें, क्योंकि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट उस हिसाब से सेलेक्ट करने हैं जो आपके नियर बाई हो। तो नियर बाई पहले आप सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद दूर वाले सेलेक्ट करने हैं, तो क्योंकि यूपी के अंदर ट्रांसफ़र की बहुत दिक्कत है और यूपी बहुत बड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत दूर आपको पोस्टिंग मिल जाए, क्योंकि आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी जो आपने मांगा है वही अलॉट हो सकता है। अब ये स्टेप 6 थी, और इसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपका फॉर्म सक्सेसफुली भरा जाएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों इसकी जो मेन है एडवर्टाइजमेंट, उसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसको पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइव स्ट्रीम को लाइक जरूर कर दें, और मैं आपको मेरे जो टेलीग्राम जो ग्रुप है वो दिखाता हूँ। इसके अंदर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, नर्सिंग ग्लोब ये टेलीग्राम है, यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा खबरें मिलती है। इसका मैं आपको QR कोड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये QR कोड है, इस QR कोड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से आप मेरे नर्सिंग ग्लोब ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी दोस्तों सबसे पहले सारी खबरें नर्सिंग से जुड़ी हुई, चाहे वो UPCHO की हो, तो सारी खबरें आपको जुड़ेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली इसको स्कैन करके। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन जो है इसने वैकेंसी निकाली है 25/10 को, ऑनलाइन अप्लीकेशन जो फॉर्म स्टार्ट होंगे 28/10/2024 17/11। देखिए दोस्तों इसके अंदर टाइमिंग बहुत कम दिया गया है फॉर्म अप्लीकेशन इसके अंदर फिलअप करने का, क्योंकि पहले भी वैकेंसी निकाली गई थी उसी को वापस रिकंस्ट्रक्ट किया है, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, एग्जामिनेशन बेसिस पे है ये। और हम लोग सभी लोग ये देख रहे थे कि ये वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी, और इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी जो है ये मेरिट बेस पे करवाई जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा और इसका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, और काफ़ी अच्छे खासे फॉर्म भी इसके अंदर अप्लाई होंगे, काफ़ी एग्जाम भी टफ रहेगा, लेवल अच्छा रहेगा एग्जाम का, क्योंकि बहुत दिनों बाद यूपी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है CHO का, और 7400 बहुत ज़्यादा वैकेंसी इसके अंदर है। तो इसके अंदर अगर बात करें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर रखा जाएगा, 7400 वैकेंसी है टोटल, जो जनरल की वैकेंसी हम 1200 के करीब मान रहे थे, लेकिन जनरल की जो 2960 वैकेंसी लगभग, तो 3000 अच्छी खासी वैकेंसी इसके अंदर दी गई है। EWS की देखी जाए तो 740, OBC की भी लगभग 2000 के करीब, और SC की 1555, ST की 148, तो 7401 वैकेंसी। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है वुमेन के लिए, सबसे बड़ी खास बात है लेडीज़ के लिए 1480 वैकेंसी अलग से दी गई है, एक्स सर्विसमैन की भी 370 इसके अंदर वैकेंसी दी गई है। अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना, देखिए जो मैंने आपको बताया था, कैंडिडेट शुड हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, इट शुड बी कैप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखो आप लोगों को मेल आईडी और मोबाइल नंबर का खास ध्यान रखना है, और एकदम करेक्ट आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर देने हैं। अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना यह है कि पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 5582 जो संविदा की जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी निकाली थी, जो उसके अंदर जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो उनको फिर से फॉर्म अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो इसके अंदर डायरेक्टली रिक्वायरमेंट के अंदर प्रोसेस के अंदर शामिल हो जाएंगे। क्वालिफिकेशन मेनली बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज, और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स विद इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज। तो जिन लोगों ने सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ जो कर रखा है कोर्स इंटीग्रेटेड के अंदर, या फिर पोस्ट BSc लास्ट ईयर के अंदर जो होता है, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2020, ये ध्यान रखिएगा, जो 2020 के बाद, ठीक है, 2020 या 2020 के बाद जिनके पास CCS है वही लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं।
फॉर क्लैरिफिकेशन द एकेडमी केयर रेफर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP स्टूडेंट हु हैव अंडरगोन फोर्थ ईयर BSc नर्सिंग एंड सेकेंड ईयर पोस्ट BSc नर्सिंग इन द ईयर 2019-20, जिन लोगों का 2019-20 के अंदर जो फोर्थ ईयर था BSc नर्सिंग का और पोस्ट BSc का सेकेंड ईयर था, तो वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो साफ साफ ये बात बोली गई है। और सेकेंड नंबर पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन UP नर्स मिडवाइफ काउंसिलिंग, बट कैंडिडेट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट UP नर्सेज विद इन 90 डेज। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको 90 डेज के अंदर ये जरूर से आपको जमा करवा देना, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जमा नहीं करवाया, उनको वहाँ से टर्मिनेट का भी ऑर्डर आया है, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो आप लोग मेरे ग्रुप में जरूर कनेक्ट हो जाइए, वहाँ मैं आपको सारी खबरें देता रहता हूँ CHO नर्सिंग ऑफिसर से संबंधित। तो इसके अलावा आपके 100 रुपये का स्टाम्प वगैरह है ये लगेगा, और कैंडिडेट हु आर वर्किंग एज ए CHO इन उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, जो CHO ऑलरेडी लगे हुए हैं वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर सैलरी के लिए बहुत अच्छी बात है कि सैलरी इसके अंदर बढ़ा दी गई है, और 25,000 रुपये जो ये है सब सेंटर पे, तो CHO को सैलरी दी जाएगी, और 10,000 आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। तो लगभग 35,000 रुपये करीब इसके अंदर सैलरी है, 2,50,000 रुपये का इसके अंदर बॉन्ड है जो 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखाया जाएगा, और इसके अंदर आपको 3 साल तक एज ए CHO काम करना पड़ेगा। अगर 3 साल से पहले अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो 2,50,000 रुपीज आपको एज ए प्लान्टी देना पड़ेगा। तो एज लिमिट का भी इसके अंदर दिया हुआ है, 21 से 40 साल तक के कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल है, और कैटेगरी वाइज इसके अंदर छूट दी गई है, रिजर्वेशन इसके अंदर सभी लोगों को दिया गया है, और जो आउट ऑफ UP से है उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन फीस 0 रुपये है, आपको किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। कोविड एक्सपीरियंस है उसका भी वेटेज मिलेगा, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, अलग अलग टाइप से मिनिमम। ये भी आपको बहुत जरूरी है समझना कि जनरल के लिए 33% मार्क्स आपको लाने जरूरी है, OBC 30% लाएगा, और SC कैंडिडेट मात्र 24% नंबर लाने आवश्यक है। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज इसके अंदर ये दिया हुआ है, और इसके अलावा कोई मेन इसके अंदर CBT एग्जाम होगा, और 100 नंबर का इसके अंदर एग्जाम रहेगा, 2 घंटे का ये पेपर होगा, और इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। मिनिमम 33% आपको जनरल से लाने बहुत जरूरी है, और बाकी मैं इसके अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट जो है ये PDF मैंने शेयर कर दिया है मेरे ग्रुप में, अगर आप लोग नहीं हैं तो वहाँ से आप जरूर ले लीजिए। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे को आपको एग्जाम से संबंधित लगेगी वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, और आप लोग इसीलिए जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी खबरें आपको मिलती रहे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।